तो जब 25 लाख से लेकर के और करीब 5 करोड़ तक का पर क्लाइंट हमारी कंपनी फंड करती है एनबीएफसी, और साथ में हमने एक और अपॉर्चुनिटी देखा कि जिस हमारे पास इतने बड़े बड़े कस्टमर आते थे कि उनको हम अकेले फंड नहीं कर सकते, तो हमने कंसोर्सियम बनाया, कुछ और लेंडर को साथ लिया, कुछ बैंकों को साथ लिया और उनके लिए एक सर्विस भी देना हमने शुरू किया। तो ये हमारे लिए ज्वाइंट अपॉर्चुनिटी रहा कि हमारी एनबीएफसी खुद लेंड भी करती है और हमारे लेंड करने से दूसरे लेंडर को कॉन्फिडेंस आता था कि इस बंदे ने पैसा दिया है, अपना पैसा लगाया है, तो क्यों नहीं इसमें हम भी डालें। तो एक हमें सर्विस फीस मिल जाती थी जो सेकंड लेंडर सेकंड बैंक हमको साथ देता था, और हमारा जो अपना इंटरेस्ट अर्निंग है वो हो ही रही है। कोरोना काल में हम घर से एक नई चीज सीखे कि जैसे हम सोचते थे ज्यादा के ही काम होगा, आधे से ज्यादा काम से काम हमारे वर्चुअल फोन से मेल से कॉल से हमें हुए, और मैं जून से लेकर के दिसंबर आ गया 6 महीने घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ, गाँव से ऑपरेट कर रहा हूँ, और चीजें कोरोना काल में एडवर्स होगी तो अपॉर्चुनिटी भी है। लोगों को उतनी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, उतनी ज्यादा लोगों ने हमको अप्रोच किया, और सर्वाधिक कार्य हमने कोरोना काल में किया अपने करियर का सबसे ज्यादा। तो वही आपदा में अवसर वाली बात है, अगर हम सोच लेते हैं कि कुछ नहीं है घर पे, कुछ नहीं होना है बैठ जाते, कुछ नहीं होता। तो मैं आप इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि उद्यम में रिस्क एंड रिवार्ड दोनों साथ साथ चलता है। कभी लो रिस्क लो रिटर्न, नौकरी में बहुत लो रिस्क है, जीरो रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी वही है जितना आपका लिखा और पढ़ा हुआ है। तो मेरा आपके साथियों से, बड़े लोगों से और छोटे भाइयों से खास यह है कि आप लोग कभी भी अपना हिम्मत मत हारिए, अपने सपने मत छोड़िए और आगे बढ़िए, और इतना आप सफलता के मुकाम पे। मैं माइक को पंकज जी का दूंगा कि अपनी बात पूरी करें, और जितने भी उद्यमी बंधु लोग आए थे अगली बार और ज्यादा, चूंकि ये लोग अनइंटेंडेड इनवाइटी थे, मतलब ऐसे बहुत कम से संख्या में बुलाया गया था, अगली बार हम चाहते हैं कि सब लोग आए और बड़े स्तर पर एक दूसरे को जाने पहचाने और कॉम्प्लीमेंट्री अपने काम को आगे बढ़ाएं।